वाले चार आरोपियों को रामनगर के गुने शोध पथक ने पकड़कर शहर पुलिस के जांच अधिकारी को सौंपा है। हाल ही में पुलिस उप निरीक्षक लाकड़े इन पर शराब तस्कर ने हमला करने का मामला सामने आया था। इसमें शामिल चार आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक पुलिस उप निरीक्षक जीवन लाकड़े इन्हें एक व्यक्ति वाहन से शराब तस्करी कर रहा है ऐसी खबर मिली। खबर मिलने पर वे अपने साथियों के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस को देख शराब तस्कर अपने घर की ओर निकला। पुलिस ने उसका पीछा किया और उसे हिरासत में लिया। तभी शराब तस्कर और उसके साथियों ने मिलकर पुलिस पर हमला किया। इसमें पुलिस उप निरीक्षक जीवन लाकड़े इनकी आंख पर गंभीर चोट आई। पुलिस पर हमला करने वाले इन चार आरोपियों को रामनगर के गुन्हे शोध पथक ने पकड़कर शहर पुलिस के जांच अधिकारी को सौंपा है। आगे की जांच शुरू है। इसमें मुख्य आरोपी घटना के बाद लापता होने का बताया जा रहा है। कार्रवाई संदर्भ में जानकारी उप विभागीय पुलिस अधिकारी शिलवंत नांदेडकर ने दी। चंद्रपूर शहर येथे दाखल झालेल्या गुन्ह्याबाबत पहिल्या दिवशी आपण सचिन गुप्ता या आरोपीस अटक केलेला आहे। त्यानंतर मुख्य आरोपी अमित गुप्ता याचे आई वडील आणि त्याचा मित्र असे एकूण तीन आरोपी अटक केलेले आहेत। आतापर्यंत या गुन्ह्यामध्ये चार आरोपी अटक झालेले आहेत। मुख्य आरोपी अमित गुप्ता हा गुन्हा घडल्यापासून फरार आहे, त्याचा शोध सुरू आहे आणि सदर गुन्ह्याचा तपास विजय कोर्टे PSI चंद्रपूर शहर करत आहेत।